हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग को निकले हुए अभी 10 से 15 मिनट ही हुआ है और दोनों बच्चे सो गए। और जब हम लोग थोड़े दूर और आगे गए ना, तो ये हम लोग को खेत मिला। बहुत दूर नहीं आए हैं, बस मुश्किल से आधे घंटे का ही रास्ता अभी हुआ था। और मुझे ये खेत बहुत प्यारा लगा, तो मैं बोली कि रुकते हैं थोड़ा देर और फिर चलते हैं। लेकिन जुबैल लोग की गाड़ी निकल गई, तो हम लोग बहुत देर नहीं रुकते हैं, बस थोड़ा देर रुक के और फिर निकल चलते हैं। पूरा दूर दूर तक सरसों का खेत बहुत प्यारा लग रहा था, फिर हम लोग को कहाँ देखने को मिलता। बहुत प्यारा खेत आ रहा है ना, और बहुत दूर दूर तक है। तो सरसों का खेत, तो यहाँ पे बस मन कर रहा है कि डीडीएलजे वाला टिंग निंग 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 इरफू। बहुत अच्छा खेत। तो जुबैर की गाड़ी आगे निकल गई है और हम लोग पीछे पीछे दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के। चलो चलो ये चलो, हम लोग आ गए। अरे रे, हम लोग बैठे नहीं अभी, तो बैठ जाइए जल्दी से। रुकिए, चलिए ब्लैंकेट इधर कर लो। या गर्मी लग रहा है। हाँ, तो सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है और थकावट अभी से ही लगने लगी। और जीसू को तो पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कोई वहाँ से निकलते समय ही नींद की गोली खिला दिया था। पूरे रास्ते ये लड़का इतना सोया है, इतना सोया है कि मैं थक गई। अभी देखिए ऐसे बैल लेट के ना सो रहा है, उसके बाद फिर जगह चेंज हो जाएगा। मैं तो थक गई, क्योंकि हमको ना पहले मैं कोने में बैठी थी ना, तो ये लोग बीच में बैठा दिए कि मम्मी आप बीच में आ जाइए। और दोनों लोग सो रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो जीसू बहुत ज़्यादा सो रहा था, तो देखिए अभी गोद में आ गया है। हाँ, पूरे रास्ते ये लड़का बस सोते सोते गया, मैं इसको इतना जगाई लेकिन उठा नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो बहुत ही अच्छा व्यू था, अच्छा लग रहा था। लेकिन बस ये ना कि रोड बहुत ख़राब था, रोड बन रही थी इसीलिए ख़राब था, नहीं तो सफ़र बहुत अच्छा हो जाता। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि जुबैर की गाड़ी में ना कोई टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए गया है। कहीं लंबा सफ़र में निकलिए ना तो ये सबसे गंदा लगता है, टॉयलेट करने के लिए उतरो तो इधर निकलो, तो बहुत ज़्यादा रुकना पड़ जाता है। तो जुबैर की गाड़ी आगे चल रही है और जब मैं इधर से निकली ना तो ये मंदिर मुझे दिखा। और जब मैं जा रही थी तो भी मुझे मंदिर दिखा था, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाई थी तो आते समय ध्यान दी थी। और ये मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत दूर दूर तक था, यानी कि काफ़ी बड़े एरिया में ये मंदिर था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए और टाइम अभी 11:30 बज रहा था, जबकि अभी रुकने का कोई मन नहीं था। एक दो घंटे बाद कहीं और रुकते, लेकिन फिर क्या ना कि कोई भी ढाबा वा कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उस एरिया में ना कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये हुआ कि यहीं से खा पी लो ताकि फिर आगे का कोई टेंशन ना हो। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं, सब लोग अलग अलग टेबल पे बैठ गए हैं। मैं बोली ना कि एक ही छोला भटूरा के लिए, छोला भटूरा इन लोग बोले। तो अब ऑयली इतना खा के बच्चों को हैवी खिला के गाड़ी में नहीं ले जा सकते ना, तो फिर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग एक ही लिए हैं और उसी में हम लोग तीनों ही खाएंगे, क्योंकि अभी मामा के यहाँ से इडली भी खाए थे, अभी तो वही पेट में था, तो फिर छोला भटूरा कहाँ से एडजस्ट कर पाते। तो इसीलिए एक छोला भटूरा मंगाए थे, और बहुत अच्छा किए थे कि एक ही मंगाए थे, क्योंकि छोला भटूरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका टेस्ट तो मत पूछिए, वही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए छोले आ गए हैं और भटूरा भी आ गया है। अच्छा, भटूरा थोड़ा ठीक था, ओके था। मुझे थोड़ा सा ना पूड़ी की तरह लग रहा था कि पूड़ी है, क्योंकि इसमें मंगरेल सब मिक्स था। और यहाँ पे मीठा भी ये ले आए, मैं तो मना करी थी, लेकिन ये ले आए रसमलाई। तो रसमलाई खाते हैं और छोले भटूरे खा चुके हैं हम लोग, तो बस अब फिर निकलेंगे। और उसके बाद क्या होता है वो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि इरफान को हम लोग छोड़ के जाने वाले हैं। जी जी, तो बहुत यही पास में ही ना जाना है तुमको, इसको जाना है।
यहीं पर, यहीं पर है, बता रहे हैं। सुन ये जो पेड़ है ना पेट्रोल पंप के पास, ये देखिए, ये देखिए, ये 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 ले मतलब लॉक करके। I don't know what to do. I don't know what to do. तो पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं और आए हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि इरफान को टॉयलेट लगी थी वहीं से जहाँ पे हम लोग छोला भटूरा खाए ना, इसको वहीं से लगी थी, लेकिन वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं था। तो हम लोग जब भी कभी सफ़र पे निकलते हैं तो अगर ऐसा कुछ रहता है, फैमिली के साथ अगर है और आपको रुकना हो तो कहीं और रुकने से अच्छा है कि जहाँ पे पेट्रोल पंप अच्छा दिखे वहाँ पे आप रुक जाइए। वहाँ पे क्या है ना कि टॉयलेट अच्छा मिलता है, साफ सुथरा मिलता है, तो आप फ्रेश भी हो सकते हैं, नहीं तो फैमिली को लेके कहाँ इधर उधर भटकेंगे, और लेडीज़ रहती है ना तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इरफान गया है टॉयलेट करने के लिए और जीसू भी गया है, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। पता नहीं इरफान क्या कर रहा था, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया हम लोग को यहाँ पे खड़े हुए, और पता नहीं शायद जुबैर लोग की गाड़ी निकल गई है या पीछे है, हम लोग को ये भी अभी पता नहीं है क्योंकि हम लोग देखे नहीं थे। तो इरफू गया है टॉयलेट और हम लोग 5-10 मिनट उसका वेट किए। हाँ तो इरफू का हम लोग 5-10 मिनट इंतजार किए और गाड़ी ला के यहाँ लगा दिए, और जब वो वॉशरूम से निकला ना तो सोचा कि हम लोग उसको छोड़ के चले गए हैं, और इधर उधर वो परेशान हो रहा है। हाथ धोया कि नहीं, कि ऐसा नहीं डर के मारे आ गया बिना हाथ धोए। चलो वेरी गुड, यहीं से घुसो, यहीं से घुसो। हम लोग तुम लोग को छोड़ के हम कहे की हम क्या निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, अच्छा लग रहा था कि निकल ही नहीं रहा था। तो चलिए अभी इरफान हल्का हो गया है तो अब सफर चालू रहेगा, अब कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो निकलते हैं और गाड़ी अभी इरफान ही चला रहा है क्योंकि इधर का ना रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इरफान बोला कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो इरफान चलाएगा। और ये बगल में बैठे हैं और जीसू अभी तक सो रहा है, और पीछे मैं पैकेट लेके चली थी, ये ना चिप्स चॉकलेट खूब सारा ले लिए थे, चॉकलेट तो सारा मेल्ट होता जा रहा था, और इरफान लोग जीसू जिया सब लोग खा खा के रख रहे थे, लेकिन कैसे खा रहे थे वो वही लोग जान रहे। तो ये तो कहिए कि चिप्स उप्स था तो उतना भूख नहीं लगा बच्चों को, लेकिन रास्ते में हम लोग कहीं पे भी नहीं रुके, कुछ भी खाने के लिए नहीं रुके। तो केक वोक था लेकिन उससे कितना पेट भरेगा, तो बच्चों को थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे भी गन्ने का जूस हम लोग पियेंगे, तो बोल दिए हैं उनको बनाने में टाइम लगे क्योंकि पहले भी लोग खड़े हैं, तो उतना देर यहाँ पे हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो कल इनकी ए शिफ्ट है, तो मैं सोच रही थी ना कि आलू मटर कुछ है सब्जी ले लें, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं है, और जो होगी भी पता नहीं वो सही सलामत होगी कि नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे आलू ले ले रही हूँ और मटर, और कुछ भी नहीं लिए थे क्योंकि आलू है तो यानी कि कुछ ना कुछ सब्जी बनी जाएगा और इनको दे देंगे, अब मेरे लिए भी आसान रहेगा ना, ना थकावट है, फिर सुबह उठो जल्दी जल्दी बनाने का एक तो टेंशन, पता नहीं बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो आलू ले लिए हैं और मटर ले लिए हैं, ये थोड़ा सा गांव एरिया पड़ जाता है ना, तो जो सब्जी है एकदम फ्रेश है और अच्छी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था और ले लें, लेकिन कार में जगह नहीं था, पीछे कितना रखेंगे, और फिर अभी लंबा सफ़र भी है तो ज़्यादा नहीं लिए। तो चलते हैं गन्ने का जूस पीते हैं, और अभी तक बाजी लोग ले रही हैं सब्जी, जुबैर लोग भी ले रहे थे, तो सब लोग सोचे यहीं से लेके तब घर चलते हैं। तो हम लोग जहाँ पे जाते टाइम गन्ने का जूस पिए थे वहीं पे अभी फिर गन्ने का जूस पीने के लिए सब लोग बैठे हैं, और अब ना हल्की हल्की सी ठंड
ठंड अब लग रही है। जैकेट यहाँ पे निकाल दिए हैं सबका, और बस अभी सब लोग जैकेट पहनेंगे तो घर जाएंगे। कल इनकी ए शिफ्ट ड्यूटी है तो सब्जी नहीं था तो सब्जी भी ले ली है। कैसा चेहरा पूरा उतर गया है, एकदम थकावट सी हो गई है, एकदम बहुत ज़्यादा रोड खराब था ना तो थकावट हो गई है। कहाँ चले तो यहाँ पे आके मैं बैठ गई और वो गन्ने का जूस निकाल ली है। जेबा भी बैठी है, बाजी लोग अभी तक नहीं आई हैं सब्जी लेके। और यहाँ पे देखिए सब लोग एकदम रिलैक्स हो रहे हैं कहीं पे भी बैठने की जगह मिल जा रही थी ना तो लोग ऐसे बैठ जा रहे थे। बहुत इतना थकावट मेरे ख्याल से जाते टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि जाते टाइम उत्साह था बच्चों में कि अरे घूमने जाना है घूमने जाना है, और अब उतना सब कुछ ख़त्म हो गया है क्योंकि पता है कि अब तो घर ही जाना है, काम धाम बस यही सब करना है। तो इरफान सो रहा है, रास्ते में ठंड थी और उसके पास जैकेट भी नहीं थी। बाजी ना जैकेट वैकेट सब सूटकेस में डाल दी थी क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं था कि वहाँ पे ठंडी है, तो इरफान को पीछे कर दिए और ब्लैंकेट दे दिए। इनका जैकेट रखा हुआ था, मैं पूरे रास्ते बोली कि बेटा जैकेट पहन लो जैकेट पहन लो, नहीं पहना। फिर जब हम लोग एक जगह रुके ना तो जैसे ही बाहर निकला वैसे ही फिर अंदर घुसा, बोला कि जैकेट दीजिए, तो फिर इनका जैकेट पहन के तब जाके, बहुत ठंडी थी। हम लोग जैसे ही इधर आए ना ये लोग भी आ गए। अरे मैं वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसु मेरा टोपी हटाओ तो तो अभी 9:45 हो रहा है और हम लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, रेणुकूट पहुंचे हैं, यानी कि मेरा महका। तो भूख बहुत तेजी से लगी है, खाना नहीं खाए थे हम लोग। सुबह जो नाश्ता किए थे ना बस वही किए थे और बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पे अभी रोके, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ रही है, इतने दिन शादी में नहीं बैठी लेकिन हाँ आते आते मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ रही है। तो अंडा रोल खाएंगे और तपन के यहाँ का खाएंगे, अंडा मटन रोल बोले हैं कि ले आइए खा के और फिर निकलेंगे। अभी एक घंटा लगेगा हम लोग को घर पहुँचने में, तो अंडा मटन रोल खाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये। और मैं तो बचपन से इन्हीं के पास से खाई हूँ ना तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये गए हैं खा के और फिर हम लोग निकलेंगे। बहुत ठंडा है यहाँ आए ना, बहुत ठंडा है। चाय हम लोग अभी पिए थे, जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले ही हम चाय पिए, क्योंकि शाम को भी चाय नहीं पिए थे। हम लोग कहीं रोके ही नहीं क्योंकि रास्ता इतना खराब था कि कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो चाय पिए हैं अभी और अब खाएंगे अंडा मटन रोल और फिर निकलेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर तो निकलने को मन ही नहीं कर रहा है। ब्लैंकेट लेके हम लोग बैठे हैं और चेहरे का हाल देखिए तो एकदम थक के ना चूर हो गए हैं और नींद बहुत तेज आ रही है। मॉर्निंग से निकले और इतने दिन की जो थकावट है ना वो भी थोड़ा चेहरे पे दिख रही है, क्योंकि रास्ते का आना जाना ये भी है, फिर शादी में या किसी के यहाँ जाइए ना तो नींद भी नहीं पूरी होती है। तो अभी नींद थोड़ी सी, बस वही नींद लग रही है, घर पहुँचेंगे। और हाँ खाना आप लोग सोचेंगे कि खाना क्या, तो बड़े भैया ना खाना बना के रखे हैं जितना उनको आता है तो खाना बनाए हैं, लेकिन ना मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग वहाँ जाके खाना खाएं, क्योंकि हम लोग क्या ना ठीक 11 बजे गेट बंद हो जाता है, फिर उसके बाद ना फिर आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश ये करेंगे कि 11 बजे से पहले, तो ठीक है एग रोली बिरयानी भी नहीं, सब खत्म हो गया, यानी सब खत्म हो गया। तो भैया खाना बना के रखे हैं और ना किसकी
अरे तुम रुको। हाँ तो भैया बना के रखे हैं, क्या खाना बनाए हैं ये नहीं पता, तो हम लोग ना खाने के लिए रुकेंगे नहीं घर पर, और बस पैक करवाएंगे और पैक करा के ले जाएंगे, तो घर पे बैठ के खाएंगे, नहीं तो फिर गेट बंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसीलिए खाना पैक करवा लेंगे जो भी भैया बनाए होंगे। वैसे भैया बोल रहे थे कि दाल चावल बना देते हैं तुम लोग के लिए, और अभी सही बताया तो दाल चावल खाने का बहुत मन है, कहीं से आइए ना अपने घर का दाल चावल मिल जाए तक तो बहुत है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में। देखिए मटन खत्म हो गया है इनके पास, तो मटन रोल नहीं मिलेगा, तो बोल रहे हैं एग रोल ही मिलेगा, तो एग रोल ही खा लेते हैं। जब भूख लगी हो ना तो सूखी रोटी भी मिलती है ना तो बहुत टेस्टी लगता है, तो यहाँ तो एग रोल मिल रहा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अजिया यहाँ पे खड़ी है जैकेट पहनी है, उसके ऊपर से शॉल लपेटी है, कह रही है मम्मी मुझे ठंड बहुत लग रही है, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो अभी 11 बजने में 10 मिनट बाकी है और हम लोग पहुंच गए हैं, ये घर में गए हैं खाना लाने के लिए, तो ज्यादा कुछ खाएगा नहीं कोई, क्योंकि हम लोग एग रोल खा लिए थे ना, तो सिर्फ थोड़ा सा इनके लिए ही लेंगे, तो ये गए हैं लाने के लिए। 11 न बज जाए फटाफट घर पहुंचेंगे, और सबसे पहले मछली को देखेंगे। मुझे मछली का टेंशन बहुत था, वहां पे भी थे ना तो मछली का टेंशन था, क्योंकि खाना ना थोड़ा सा ज्यादा दे के गए थे, और तो कोई था नहीं कि चाबी दे देते, तो भी मछली का टेंशन है, पता नहीं है भी कि नहीं है, तो सबसे पहले जाके मछली को देखना, तो बस ये आ जाए खाना लेके तो फिर चलते हैं घर, और घर का हालत देखते। वैसे तो सब कुछ साफ करके आए थे, बस जाके सोएंगे ही मुंह हाथ धो के और मछली को चेक करेंगे। और आवाज मेरी एकदम बैठी जा रही है, जिया की भी आवाज बैठी जा रही है। जिया तुम कुछ बोलो, जिया कुछ बोलो, हालत एकदम खराब हो गई है। क्या हुआ लल्ली दोनों बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई, मेरी खुद बहुत खराब हो गई, एकदम थक के एकदम चूर हो गए। सुबह ना 5:30 बजे का उठे हैं और अभी तक सोने का कोई ठिकाना नहीं है, बस आ जाएं जल्दी से घर चले। तो घर में घुसते ही सबसे पहले मैं मछली पे ध्यान दी कि मछली ठीक ठाक है कि नहीं, तो मछली सभी अच्छी हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस सबसे पहले इन लोग को खाना दे दें क्योंकि बहुत दिनों से ये लोग भूखी पड़ी है, तो बस ये अच्छा लग रहा है कि सब ठीक ठाक है। तो हम लोग आ गए हैं और ठीक अभी 11 बज रहा है। क्या गिरा है? और घर से खाना भी आ गया है। अपना घर ना सबसे अच्छा होता है, और घर में आके ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए खाना और बेड और सब ठीक करके गए थे, जैसा कि आप लोग को दिखाए थे ना, घर और एकदम ठीक करके गए थे और बहुत अच्छा लग लाइट जलाते हैं, अरे अल्लाह हो तो ये देखिए अल्लाह घर और सब एकदम ठीक ठाक। तो अब चलेंगे, बस खाना खाएंगे और सोएंगे थोड़ा देर, खोल दे ताकि वो हवा ना थोड़ी सी पास हो जाए। तो बस यही काम बचा है, और चाय पीने का बहुत मन कर रहा है लेकिन दूध नहीं है चाय पीने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आप लोगों से, और आज का यही पर एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं। और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करके ही जाइएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय अल्लाह हाफिज।